बरेली मीरगंज बरेली अमर फिलिंग स्टेशन नेशनल हाईवे निकट ग्राम पंचायत कुलचा खुर्द के समीप अज्ञात डीजल चोरों ने पेट्रोल पंप के सेल्स मैनेजर सुनील कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी, जिनकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। बताया जाता है कि आज सवेरे 4:30 बजे यूपी 17-11-80-1177 LP-12 टायर लोडेड वाहन रामपुर की दिशा से आकर पेट्रोल पंप के सामने रुकी थी। ट्रक चालक विनोद कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम पंचायत बावली जिला बागपत नींद के कारण गाड़ी में ही सो गया। इसी दौरान डीजल चोरों का एक सफेद रंग का वाहन सड़क पर आकर रुका, जिसकी सूचना पेट्रोल पंप के चौकीदार विक्की शर्मा ने मैनेजर सुनील कुमार को दी। मैनेजर सुनील कुमार और चौकीदार अपने साथियों को लेकर रोड की तरफ बढ़े कि डीजल टैंक से तेल चुराने का प्रयास कर रहे बदमाशों ने सुनील कुमार पर फायर झोंक दिया और पूरब की दिशा में अपना वाहन लेकर फरार हो गए। गोली लगने से सुनील कुमार लहूलुहान हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से मीरगंज सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति के कारण बरेली भेजा गया, जहां जिला अस्पताल पहुंचने पर सुनील कुमार को मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जाता है कि पिछले काफी अरसे से तेल चोर गिरोह मीरगंज क्षेत्र में सक्रिय है। यह हाईवे के किनारे खड़े वाहनों से तेल चोरी कर रफू चक्कर हो जाता है। पिछले 3 महीने पहले पंजाब केसरी ढाबा के समीप वरुणा कंपनी के कंटेनर से लगभग 35,000 का तेल चुरा कर फरार हो गए थे। मीरगंज क्षेत्र में इस घटना को लेकर काफी लोगों में रोष व्याप्त है। आर चेतना न्यूज से तहसील प्रभारी अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैंने दवाई लेकर चक्कर आ गया, अंधेरी आने के बाद मुझे कुछ दिखाई दिया नहीं, मैं यहाँ गाड़ी लगा कर सो गया। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बागपत। कहाँ से गाड़ी लेकर चले थे? दिल्ली से। और इसी पंप आकर रुके थे? हाँ जी, चक्कर आ गया, अंधेरी आ गई, दवाई ली, मेरे को कुछ दिखाई दिया नहीं, मैं यहाँ पे लगा कर लौट गया। आपका कोई नुकसान हुआ गाड़ी में? नहीं, मेरा मीटर प्लेट खोल रखी है जी, डीजल टंकी की। उन्होंने सोचा ये हम लोग पकड़ने आ रहे हैं या हम पे हमला करने आ रहे हैं, इन्होंने जवाबी फायरिंग में फायर झोंक दिया था। अच्छा, ये घटना किस समय की है? करीब 4:30 बजे के बाद। अच्छा।